सबसे दुखी लोग जो इस कलयुग में हैं, वो जो आत्माएं हैं उनका वो कल्याण नहीं कराते, धर्म कर्म से नहीं रहते, इसलिए आत्माएं परेशान होती है, उनका कोई मुक्ति का द्वार नहीं था। तो यहाँ पर नारायण भगवान ने हर कोई भी जीव यदि घर का मुक्ति में नहीं है तो वहाँ जवाब देता कि मैं ये हूँ, मेरी मुक्ति करा दो, तो विधि विधान से उनको मुक्ति हो जाती, उस परिवार का बचाव हो जाता, परमात्मा को आशीर्वाद मिलता, सुखी हजारों सुखी हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आलसी ब्लॉगर अश्वनी अत्री, और इस समय मैं मौजूद हूं राजस्थान के सीकर जिले से 15 किलोमीटर दूर परडोली बड़ी गांव में, जहां पर भूमेश्वर जी महाराज का मंदिर है, जिनका वास्तविक नाम बजरंग सिंह शेखावत था और जो एक फौजी हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने समाज का कल्याण करने के लिए अपने भाई नाथुराम जी को दर्शन दिए और यहाँ पर अपने मंदिर स्थापना की, और आज ये मंदिर प्रसिद्ध है भूत निकाले जाने के लिए। तो इतनी प्रचलित कथा है, चलिए आपको इस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, और साथ में नाथुराम जी जो उनके छोटे भाई हैं भूमेश्वर जी महाराज के, उनसे इस पूरे मंदिर की कथा और यहाँ के प्रचलित कथाओं के बारे में जानते हैं।
फ्रेंड्स, अभी आपने भोमेश्वर जी महाराज के मंदिर के दर्शन किए, जो कि काफी एक विशालकाय मंदिर है और बहुत बड़ा ये मंदिर आपने देखा, इसको घूमा। और प्रसिद्ध है कि यहाँ पर आत्माएं निकाली जाती हैं, भूत प्रेतों को शरीर से निकाला जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और पंडित जी से भी आपने सुना कि किस तरह से मंदिर की स्थापना हुई थी, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि कितने लोगों का यहाँ आकर के कल्याण हुआ है। और आप भी यहाँ पर अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, और पूरा जो मतलब एक आनंद है, तमाम सभी देवी देवताओं को यहाँ पर जो हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है उनको मान्यता, उनको यहाँ पे उनका लिए मतलब काफ़ी बहुत अच्छे से आप उनको देख और समझ सकते हैं। साथ ही साधना करने के लिए जिस तरह की गुफाएं हैं, छोटे छोटे ध्यान लगाने के लिए स्थल हैं, वो भी काफ़ी आपको रोमांचित करते हैं। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस तरह के गाँव में इस तरह की चीज़ें देखना एक वाकई में एक संस्कृति को हमारी दिखाता है कि हम किस संस्कृति से आए हैं, हमने क्या कुछ हमारे मतलब पूर्वज हमें दे के गए हैं। और चाहे आज साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ बातें तो इन बातों में ज़रूर हैं, क्योंकि इतने बड़े स्थल हैं और लोगों की आस्था है, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, ताकि लोग इस जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार मैं आपके लिए इस तरह के व्लॉग्स लेकर आता रहूँ।